अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पारा पारा सब लोग मेरे बेटे से स्टार्ट। अच्छा जी, अभी सहरी का टाइम 2 बज रहे हैं, इस ऑलमोस्ट 5-7 मिनट रह गए। अदनान अभी बाहर गए हैं सहरी के लिए, क्योंकि आज घर पे नहीं बनाया था, जैसा कि कल गलत बाबू में मैंने बताया था। तो बाहर से निहारी, चने और पराठा वगैरह जो बाहर से देख के क्या कुछ मिलता है, तो फिर लेके आएंगे। अभी पाकिस्तानी इंडियन होटल्स वगैरह जो है ना, वहाँ से ये सब चीज़ें मिलती। तो बच्चा मेरा एक अदद ये जाग रहा है, हंजला मेरा अभी सो रहा है। ये यहाँ पे पड़ा है जी, रात ये जो शॉपिंग है ना वो की थी। कुछ चीज़ें तो वीकली लाजमी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हो गए, तो अभी इनको समेटते हैं। ऑयल है, ये साथ में स्प्रे है, स्प्रे जो है ना यहाँ पे इतने छोटे छोटे से लाल बीज से हैं, पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, मरते भी नहीं हैं, क्यों ख़त्म नहीं होते। और पाकिस्तान में भी ये छोटे वाले जो है ना, मेरी मम्मा के घर में थे, पता नहीं किस तरीके से ये जाएंगे। इतना इलाज कर लिया इनका, इतना इलाज कर लिया, बट ये नहीं मरते, पता नहीं। अगर आप लोगों के पास कोई टिप है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे आटा है, सर्फ है, टिशू वगैरह हैं, और कुछ यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं। बस जब तक अदनान आते हैं मैं ये सब चीज़ें जो है ना मैं समेटती हूँ, उसके बाद फिर हम सहरी करेंगे। सुकून नहीं, अब तो सहरी भी खा ली, अब तो सो जाओ। सहरी खाने के बाद आज तो मैं कह रही चीड़े चल रहा है अवतार में, ले कुछ तो है। आज अवतारी में पुलाव खाया और पकोड़े भी थे, और सहरी में आज प्लान था निहारी का, निहारी मिली नहीं, बस पराठे कौन कौन से थे, मेथी वाला था, आलू और गोभी वाला, और साथ में थे चने, बस उससे सहरी करके हो गए हैं फारिग। और ये आज ये मेरा बेटा भी साथ उठा हुआ, 12 बजे से उठा हुआ, ये सारी दुनिया सोए पड़ी है सहरी खाने के बाद, और ये खेल एंजॉय कर रहे हैं। नमाज पढ़ी जा रही है। अलमीर, अलमीर आपने सोना नहीं है, अलमीर मेरे बेटे ने सोना नहीं है, ले लो। एक ट्राई और, अस्सलाम वालेकुम जी, जुमा मुबारक आप सबको। आज है जी रमजान का ये पहला जुमा। अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की, और अल्लाह हमारी जो दुआएं हैं इबादत हैं अल्लाह पाक वो कबूल फरमाए। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें भी अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अभी सुबह सुबह जो है ना वॉशिंग की है मैंने, कपड़े जो है ना वो वॉश कर लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं, मैं भी नहा लूँ, और अदनान भी नहा के नमाज के लिए गए हैं जुमा की। वॉशिंग करते हैं ना जब बच्चे वाकर, ये वो सारा गंदा हो रहा है, और बस यहाँ पे जो मॉप है ना वो लगा। और यहाँ पे जो शीट है ना वो चेंज करनी है। वैसे ये जो रूम है ना इस पर कोई सोता नहीं है, बस दिन में वैसे ही बच्चों के साथ कभी इधर आके बैठ जाते हैं, इसलिए ये मैट्रेस भी देखिए अनबैलेंस है, वो बड़े वाला है, ये छोटा है, अलग से पड़े हुए थे तो वैसे ही इसके ऊपर रख दिए हैं, और बस बैठ जाते हैं इस पर बच्चे वगैरह, कभी उधर अलमीर सो रहा होता है तो हम यहाँ आके बैठ जाते हैं। और बस अभी सफाई वगैरह फिनिश करने के बाद जो है ना कुरान पढ़ेंगे। धक्का देता हूँ कुछ चल रहा हूँ। हाँ जी, झूले ले रहे हैं भैया के साथ साइकिल पे, छोटी सी साइकिल पे झूले ले रहे हैं। मेरा बेटा नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, आ जाओ। कैसे उधर गेट से जाएंगे, आ जाओ। आप क्या करने जा रहे हो, अल्लाह पढ़ने जा रहे हो, ओके आ जाओ।
खूब रौनक लगी हुई है, ठीक ठाक यहाँ पे क्राउड है ये देखो सारा। और कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग हमारी तरह आ रहे हैं वाक के लिए, वरना मोस्टली ये देखे फैमिलीज जो है ना यहाँ पे अफ्तारी से पहले आते हैं और अफ्तार करके यहाँ से चले जाते हैं। बस ईशा की नमाज पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे जी। हाँ पूरा पूरा सेटअप सेट करके आए हैं, वीकेंड है ना, वरना वीकेंड के अलावा नहीं इतना रश आके। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी जो है ना गर्मी स्टार्ट हो गई है, चल के आए हैं ना तो ऊपर का पसीना भी आना शुरू हो जाता है। चल रहे जी चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोजे जो है ना आज कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से बाकी के जो दिन हैं वो भी इसी स्पीड के साथ गुजर जाएंगे। और व्लॉग जो है वो बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। हाँ देखो मम्मा आपको भी खेल अब आपकी बारी। अरे